नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मित्र सन ऑफ हिंदुस्तान उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। मित्र अगर आप लोग अगर ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो आप लोगों को एक जानकारी प्राप्त रहना चाहिए कि अगर आप 1 जुलाई 2024 के बाद अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपका टिकट अगर कन्फर्म नहीं है, वेटिंग में है, चाहे वो एसी हो या नॉन एसी हो या स्लीपर हो, तो मित्रों आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए जिसमें एक माननीय पुलिस पदाधिकारी जो बता रहे हैं। प्लीज़ आप पहले इस वीडियो को देखें, फिर आप लोगों से बात करता हूं। दोस्तों, अब रेलवे ने टिकट के नियम बदल दिए हैं। जैसा पहले 1 जुलाई 2024 से पहले जब आप एसी का टिकट लेते थे तो एसी में जब आपका वेटिंग होता था टिकट, तो आप एसी कोच में वेटिंग टिकट पर आप यात्रा कर सकते थे, और इसी तरह स्लीपर कोच में अगर आपका वेटिंग है तो आप यात्रा कर सकते थे। किंतु अब आपने ई टिकट आपका कराया हो या विंडो से टिकट कराया हो, आरक्षित कोच में अब आपकी यात्रा संभव नहीं है। आपको टीसी रास्ते में उतार देगा जिसमें आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज के लिए। तो अब आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन के आरक्षित कोच में सफर ना करें। ऐसा करना आपके लिए वैधानिक कार्रवाई तैयार है आपके लिए अगर आप ऐसा करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आप जो वीडियो देखे जिसमें एक माननीय पदाधिकारी साहब जो बता रहे हैं कि जो नियम है जो चेंज हो गई है, अगर आप टिकट लिए हुए हैं एसी का या नॉन एसी या स्लीपर कुछ भी का, अगर वेटिंग है तो प्लीज़ आप लोग सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस बोगी में बैठने का इजाज़त नहीं रहेगा। जब तक आपका टिकट कन्फर्म ना हो तब तक आप सफ़र नहीं कर सकते हैं उस कोच में, चाहे स्लीपर हो या एसी हो या कोई भी जो। अगर आप लोग अगर सफ़र कर रहे हैं तो पहले आप अपना टिकट कन्फर्म देख लें है कि नहीं है, अन्यथा आप किसी भी परिस्थिति में ना पड़ जाएं ऐसा चक्कर में जिससे आपको दिक्कत हो। प्लीज़ आप लोग इस जानकारी को आगे भी शेयर करें ताकि तमाम जो भी लोग जो सफ़र कर रहे हैं आम लोग, उनको मालूम होना चाहिए कि अब जो नियम है नियम बदल गई है। बाकी अगर सफ़र करना है तो भेड़िया धसान वाला है ये है, जनरल डिब्बे बॉक्स में घुसी गए और आम लोग इसी में मर रहा है। जनरल में बैठ कर जा रहा है, बाथरूम में बैठ कर जा रहा है, नीचे सूत के जा रहा है, कुछ रू लटक के जा रहा है, यही तो स्थिति है रेलवे का। बाकी आप लोग समझदार हैं मित्रों, जहाँ भी जाएँ सुरक्षित जाएँ। ट्रेन से भी जा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना नियम को समझ के और अपने अधिकारों को जाने ताकि आप कभी किसी फेरा में न पड़ जाएँ। बाकी हम लोगों का तो जीवन वैसे ही संघर्ष भी कट रहा है। भेड़िया दशान जैसा जनरल में बैठ कर जाएंगे, जैसे दिल्ली बम्बे जाते हैं तो कभी राजेंद्र नगर या पटना जंक्शन पर आकर देखते होंगे तो गाय और भैंसी भी उसे और बकरी भी नहीं जाता वो जिस तरह से आदमी जाता है। बाकी अब आप लोग देखें वीडियो। सो प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि तमाम वीडियो का लिंक आप लोगों के पास आते रहे। धन्यवाद मित्रों।